ग्वालियर एसपी ऑफिस में यादव समाज ने गत दिनों सीएसपी विजय भदौरिया से ज्ञापन देने के दौरान अनबन और यादव समाज ने सीएसपी पर अपमान करने का आरोप लगाते हुए आईजी ऑफिस में ज्ञापन देने के मामले में आज दोनों पक्षों के बीच ग्वालियर एसपी ऑफिस में चर्चा हुई है, जहां सीएसपी विजय भदौरिया ने कहा कि जो शासन के नियम है उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया था। इस बीच अगर इससे समाज विशेष की भावना आहत हुई है तो उसके लिए वह खेद प्रकट करते हैं। इसके साथ ही यादव समाज ने भी सीएसपी से खेद प्रकट करने पर अब इस मामले का पटाक्षेप करने की बात कही है। आपको बता दें कि यदुवंशी महासभा के नेता रूपेश यादव समाज के लोगों के साथ गत दिनों एसपी ऑफिस पहुंचे थे और भिंड एसएफ में पदस्थ एक जवान पर यादव समाज को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करने और उस पर कार्रवाई की मांग के लिए ज्ञापन दिया था। इस दौरान यहां तैनात डीएसपी विजय भदौरिया से यादव समाज के नेताओं के बीच काफी बहस हुई थी, जिसे यादव समाज ने अपना अपमान समझते हुए एसपी ऑफिस में भी जंगी प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया था, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बैठकर चर्चा करने की बात कही थी। इसी तारतम्य में एसपी ऑफिस में यादव समाज के नेताओं और एससीएसपी विजय भदौरिया के बीच बातचीत चली। इस दौरान पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे, जहाँ सीएसपी विजय भदौरिया ने पूरी घटना में गलतफहमी की बात कहते हुए कहा कि अगर उनके व्यवहार से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो उसके लिए वे खेद प्रकट करते हैं। तो वहीं सीएसपी द्वारा खेद प्रकट करने पर यादव समाज ने कहा कि गलतफहमी के चलते पूरी घटना हुई है, अब चूंकि सीएसपी ने खुद खेद प्रकट किया है इसलिए इस मामले का पटाक्षेप किया जाता है। कुछ दिनों पहले एक समाज वर्ग के द्वारा एक घटना को लेकर ज्ञापन दिया गया था एसपी ऑफिस में, और उस दौरान मेरे द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था और उस दौरान शुरू के दौरान वहां पर जो बातचीत हुई, उसमें वार्तालाप हुआ समाज विशेष, उस समाज विशेष को आहत करने के उद्देश्य और न प्रशासन को करने उद्देश्य किसी पर रहा है, किंतु यदि फिर भी यदि समाज विशेष यदि किसी मेरे स्टेटमेंट से आहत हुआ है ये पिछले कुछ दिनों पूर्व कुछ समाज विशेष के लोग एक घटना को लेकर ज्ञापन देने आए थे एसपी ऑफिस में, और चूंकि ज्ञापन लेने की प्रक्रिया होती है यहाँ पर एसपी हेडक्वार्टर सीएसपी श्री विजय भदौरिया जी, उनके द्वारा लगातार ज्ञापन लिए जाते हैं, उनके द्वारा ज्ञापन लिया गया, उनके द्वारा कुछ बातचीत हुई और कुछ इस तरह की बातचीत के दौरान कुछ ऐसा हुआ, ऐसा लगा समाज वर्ग के विशेष के लोगों के उनको थोड़ी सी भावनाएं आहत हुई है, तो उनके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई थी, इनके द्वारा ये बताया गया था। आज दोनों ही पक्ष बैठ गए।